अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी रेमेडी बनाने जा रहे हैं जो कि आपके जोड़ों के दर्द को भगा देगा, और ये मेरी गारंटी है कि विद इन एक वीक आपके जॉइंट्स पेन को ये ख़त्म कर देगा और बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा। ज़ीरा आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल रखता है, आपकी जो जलन होती है आपके मैदे में उसको ख़त्म करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है, आपके लिए वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा मेन है कि आपका जॉइंट पेन्स आपका ख़त्म करेगा, यह आपके कैंसर से बचाएगा, हार्ट डिजीज से बचाएगा और हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि सिर्फ जॉइंट पेन्स के लिए, ऑल ओवर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी ना कि सिर्फ रेमेडी के साथ आप इसको नॉर्मली भी खाया करें। यह आपकी बॉडी को डिटॉक्सफाई भी करता है और साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। तो जो बड़ी एज वाले होते हैं उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब सेकेंड हम ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम कैरम सीड्स भी बोलते हैं। यह आपकी जो स्वेलिंग होती है, जो जॉइंट का पेन होता है और जो रेडनेस होती है, ये इन तीनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और प्लस मैं आपको अजवाइन का एक चीज़ बताती हूँ जो कि शायद किसी को ना पता हो। आप अजवाइन को एक रात भिगो कर रख दें, सुबह उठकर उसको सोक करके उसका पेस्ट बनाकर आपके जहाँ पे पेन हो, जिस पे जॉइंट में पेन हो, आप उधर लगा दें, इंशाल्लाह आपका फ़र्क पता चलेगा। साथ साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को लो भी करता है, और अगर आपको फ्लू है, खांसी है और ज़ुकाम है तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको अस्थमा का मसला है वो भी ख़त्म कर देगा, और आपको सफोकेशन भी आपकी ख़त्म कर देगा। थर्ड हम इधर ले लेंगे सौंफ। सौंफ आपकी बॉडी पेन अगेन ठीक करेगा। ये तीनों चीज़ें आपके जॉइंट पेन के लिए बेहतरीन हैं। वीकनेस होती है वो भी ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ ये बेस्ट सॉल्यूशन है इन तीन चीज़ों का मिक्सचर। नया पुराना आपका पेन होगा जो आपके सर्दियों में होता है वो ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। तो ये आपकी स्किन को भी साफ़ करता है, ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है और आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा करता है। साथ साथ ये आपके स्टमक, लिवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी और यूट्रस के लिए भी अच्छा है, एंड एट द लास्ट ये आपके अल्सर के लिए भी अच्छा है। तो अब हम अपनी रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इन तीनों चीज़ों को भून लेना है, मीडियम फ्लेम पर रख के 3 मिनट तक आप इनको आराम आराम से भूनें, और इनका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, ना ये जलें, ना इनका कलर डार्क हो। बस आपको इनको आराम आराम से ऐसे मिक्स करते रहना है। जब आपका ऐसा कलर हो जाए तो मतलब ये अब रेडी है। इस तरीके का आपका कलर होना चाहिए। मैंने इनको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूना, बस थोड़ा सा करके, और इनका अब मैंने इधर पाउडर बना लिया। अब हो गया आपका रेडी। ये पाउडर आप रख भी सकते हो, आप इसको बना भी सकते हो। बनाने का बिल्कुल ईजी तरीका है। आप 1 कप पानी को बॉईल करो, उसके अंदर 1 टेबलस्पून, ये इतना मैं आपको दिखाती हूँ, इतना आप उसमें डाल लोगे। 2 मिनट बॉईल करके वो पानी आप निकाल लेना और उसको पी लेना, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिल जाएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।